हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बनाया था एक स्टैटिक मेटा डेटा। उस मेटा डेटा को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लेआउट पेज के अंदर में, या फिर जो लोकल पेज होता है ना उस पेज के अंदर में, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डायनेमिक मेटा डेटा कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं। और किसके अंदर बनाओ, SEO के अंदर मत बनाओ, आप बनाओ ऐप के अंदर में। और यहाँ पे फाइल बना लेते हैं हम लोग, सपोज डायनामिक बनाना है तो डायनामिक ही रखते हैं। और डायनामिक के अंदर में आप फाइल बना लो page.jsx। ऑलराइट, और यहाँ पे नॉर्मल बॉयलरप्लेट कोड आप ले आओ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से इसको हटा लो, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। और इसका नेम हम लोग चेंज कर लेते हैं, दैट इज द डायनामिक पेज। और सेम डायनामिक पेज को आप एक्सपोर्ट कर दो यहाँ पे। ऑलराइट, एंड दिस इज आवर डायनामिक पेज। ऑलराइट, अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो डायनामिक पेज है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। सो हियर इज आवर डायनामिक पेज। तो यहाँ पे मिल गया मुझे डायनामिक पेज। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि डायनामिकली टाइटल भी चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है। तो डायनामिक बनाने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके अंदर में एक डायनामिक राउट क्रिएट करो। तो डायनामिक राउट बनाने के लिए डायनामिक के अंदर में ही आ जाते हैं, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, और फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्लग। डायनामिक राउट तो आपको बनाना आता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको फोल्डर का नेम देना है, और यहाँ पे आपको एक बना लेना है पेज, राइट। सो हेयर इज आवर पेज डॉट जे सिक्स, और ये हमारा कम्प्लीटली डायनामिक पेज होगा, राइट। और इसके अंदर में हम लोग रख लेते हैं डायनामिक पेज विथ स्लग। ऑलराइट, अब इस पेज को अगर आप ओपन करना चाहते हो ब्राउजर के अंदर में, तो आपको डायनामिक के अंदर में डालना पड़ेगा स्लग। तो आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सपोज इन्फो। तो यहाँ पे मिल गया हमको डायनामिक पेज विथ स्लग। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया ना, ये वैल्यू आपका डायनामिक है। यहाँ पे इन्फो हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है, ये आपका एक स्लग है, और सेम पेज को ये रेंडर करके देगा। तो हम क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे जो अभी टाइटल आ रहा है ना इजी कोड, इसका टाइटल डिपेंड करना चाहिए हमारे स्लग के ऊपर में, राइट। और स्लग क्यों इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो कोई ई कॉमर्स साइट है, और वहाँ पे आप जो सर्च कर रहे हो ना, ये वैल्यू हो सकता है कि आप यहाँ पे सर्ट को सर्च कर रहे हो, तो आपको जो यह टाइटल दिखेगा ना उसके ऊपर में सर्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टॉयज, तो ऊपर में टॉयज आना चाहिए, राइट। तो ये जो डायनामिकली चेंज हो रहा है ना, इस चेंज वैल्यू को मुझे टाइटल में सेट करना है। और टाइटल ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मुझे उसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना पड़ेगा कि पेज के अंदर में जो भी डिटेल्स है उसका डिस्क्रिप्शन हमको इसके बेस पर आना चाहिए, राइट। तो ये हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए एक फंक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो जो फंक्शन है वो फंक्शन का नेम फिक्स है, जनरेट मेटा डेटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक्सपोर्ट एंड देन फंक्शन, और जो फंक्शन होगा ना उस फंक्शन का नेम हम लोगों को सेम रखना है, जनरेट मेटा डेटा। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे स्लग पास करेंगे ना, वो स्लग एज ए परम्स रिसीव होगा पेज वाले के अंदर, और ये रिसीव होगा परम्स इनसाइड द जनरेट मेटा डेटा ऑल्सो। तो इस पेज के अंदर में हम लोग यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं परम्स को। तो पेज के अंदर में यहाँ पे आप रिसीव कर लो परम्स, और इस परम्स के अंदर में क्या आया अगर आप इसको देखना चाहते हो तो कॉन्सोल लॉग कर लो और प्रिंट कर दो परम्स को। इसको सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर में और देखते हैं परम्स में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल गया स्लग्स में क्या मिला, ट्वाइस। ऑलराइट, तो इसी तरह से आप ये जो है ना जनरेट मेटा डेटा, इसके अंदर में भी उस परम्स को आप रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं परम्स एंड देन वी हैव टू रिटर्न। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि रिटर्न क्या करते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर में टाइटल दे देते हैं यहाँ पे। और टाइटल के लिए अगर आप यहाँ पे सिंपली लिख दो डायनामिक, राइट, तो हम लोगों का जो पेज टाइटल होगा ना उसके अंदर में अभी मिलना चाहिए डायनामिक।
और जो सिंपल लेआउट के अंदर में जो अगर हम लोग कोई चीज डिफाइन किए हुए होंगे या परसेंटेज एस वाला सिस्टम होगा, तो वहां पे क्या होगा कि परसेंटेज एस की जगह पर डायनेमिक आ जाएगा, और अगर बाकी कोई टेक्स्ट होगा तो वहां पे भी आ जाएगा। तो इसको पहले आप मिनिमाइज करो और हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो टाइटल किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे मिल गया डायनेमिक, राइट। और जो लेआउट था उसके अंदर में हम लोगों ने डाला हुआ था ऑलरेडी परसेंटेज एस वर्टिकल बार एस ई ओ, और वो अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, ये सारे फाइल को तो पहले क्लोज कर लो जिसकी जरूरत नहीं है, एस ई ओ वाला खत्म करते हैं, लेआउट में आते हैं, और यहाँ देखो टेम्पलेट हमने यूज किया था यहाँ पे। तो टेम्पलेट में क्या था, परसेंटेज एस वर्टिकल बार एस ई ओ, और परसेंटेज एस की जगह पर जो हम लोगों का स्लग वाला था ना यहाँ पे डायनेमिक, ये वाला वैल्यू आ गया, राइट। तो डायनेमिक वर्टिकल बार एस ई ओ, ऑल राइट। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि ये जो परम्स के अंदर में स्लग आया है ना, ट्वाइज हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी होगा, वो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इस डायनेमिक की जगह पर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं टेम्पलेटिंग का यूज करके कि डॉलर एंड देन वर्टिकल बार एंड परम्स डॉट स्लग। अब ये स्लग हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, तो ये जो डायनेमिक राउट हम लोगों ने बनाया ना स्लग, यहाँ से तो ये जो वैल्यू है स्लग, इसके अंदर में हमारा जो डायनेमिक राउट का डेटा है वो आ जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग सही कर लेते हैं और सेव करके वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस आ गया। अब अगर आप यहाँ पे डाल दो सपोज शर्ट, तो यहाँ पे हमें शर्ट मिलना चाहिए, राइट। तो टाइटल तो सही सही आ रहा है, लेकिन इसका यूज हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ टाइटल एंड देन यू राइट योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज अकॉर्डिंग टू योर स्लग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो कैसा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि दिस इज द पेज अबाउट क्या। तो यहाँ पे आप टेम्पलेटिंग यूज करो डॉलर एंड देन परम्स डॉट स्लग, ऑल राइट। तो इसे सेव करके और इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहां से ओपन कर लेते हैं हम लोग इंस्पेक्ट, और यहाँ पे आप चले जाना हेड वाले सेक्शन के अंदर में, और हेड में आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन। तो यहां से सर्च कर लेना कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है। सो दिस इज द पेज अबाउट शर्ट, राइट। और अगर आप यहाँ पे चेंज कर दो और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग ट्वाइस, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हमारा डायनेमिकली चेंज होने वाला है, और यहाँ से हेड, हेड के अंदर में डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देख लो आ गया दिस इज पेज अबाउट ट्वाइस। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप उसका पब्लिशर भी चेंज कर सकते हो, ऑथर भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डायनेमिक राउट। और ये केवल हम लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए ही यूज नहीं करते हैं, ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोग सेट करेंगे ना, हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे डेटाबेस से भी फिल्टर करना पड़े, राइट। तो उस केस में आप डेटाबेस से भी फिल्टर करोगे, लेकिन उसके लिए आपको जो जनरेट मेटा डेटा फंक्शन है ना वो आपको बनाना पड़ेगा एसिंक फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर में आप फेच एपीआई वगैरह यूज करना चाहते हो तो आपको एसिंक्रोनस करना पड़ेगा, या एक्सियोस वगैरह यूज करना चाहते हो तो आप वो सारे काम भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और वहां से जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ डायनामिक मेटा डेटा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।